दोस्तों, हर्पीज होने से पहले शरीर 6 ऐसे लक्षण देता है, बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ कोई फफोले होना, कोई छाले आना, दर्दनाक छाले आना, ये ही लक्षण होते हैं। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे हर्पीज के लक्षण होते हैं, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हर्पीज के मुख्य लक्षण कौन से हैं, होने से पहले, होने के बाद ये लक्षण आ जाते हैं हर्पीज के पेशेंटों में, और हर्पीज के पेशेंट में दिमाग पे भी असर पड़ता है, वो कैसे, इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकुल शर्मा, और काफी सालों से आप मुझे देख रहे हो और मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एसटीडी बीमारी के लिए। और अगर हम इसका परमानेंट सोल्यूशन भी देते हैं, क्योंकि एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई नेगेटिव नहीं कर पाया एलोपैथ में, हम कर रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं। तो लक्षण की बात करते हैं सबसे पहले कि दोस्तों, दर्द रहित छाले चेहरे पे होना, हाथों में होना, कमर में होना, छाती पे होना और जननांग पे होना। क्योंकि ये HSV-1-2 टाइप की दो प्रकार के हर्पीज होते हैं, जेनिटल हर्पीज और अपना HSV-1। तो सबसे पहली बात ये है कि इसके अलावा मुख्य लक्षण क्या आएंगे, जैसे आपके घुटनों में दर्द होना, छाती पे दर्द होना, सिर में दर्द होना, जॉइंट्स पेन भी इसके अंदर होता है, नॉर्मल सी बात है। आंखें तक खराब हो जाती है, आंखों में प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब इसमें बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर ये तो गठियाबाई रोग हो सकता है। नहीं, लेकिन बहुत सारे रोगों में गठियाबाई के लक्षण आपको लगते हैं इसमें हर्पीज में, लेकिन जरूरी नहीं वो गठियाबाई है, ये हर्पीज के ही कारण आपको हो रहा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको हर्पीज है और ये पेन हो रहा है, आपको छाले हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आप काफी परेशान हैं क्योंकि आपने बहुत सारी दवाई खाई होगी, तो हमें अब थम जाना है, हमें इसका परमानेंट इलाज लेना है। वो परमानेंट इलाज कौन देगा, उस वो हम आपको देंगे। कैसे देंगे, आप हमें कॉल करिए, आना है तो मैं राजस्थान से हूं, आ भी सकते हैं, वरना हम आपको बिना साइड इफेक्ट के बचाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है।